परमाणु राज्य अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। चीनी शस्त्रागार बढ़ रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट या के निर्देशक डैन स्मिथ ने कहा, हम मानव इतिहास में सबसे खतरनाक अवधियों में से एक में जा रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, यह जरूरी है कि दुनिया का सरकारें भू राजनीतिक तनाव के शांत करने, हथियारों की धीमी दौड़ और पर्यावरण के टूटने और बढ़ती वैश्विक भूख को बिगाड़ते परिणामों से निपटाने के लिए सहयोग करने के तरीके तलाशें। SIPRI का अनुमान है कि जनवरी 2023 में 12,512 वॉरहेड्स की कुल वैश्विक सूची में लगभग 9,557 संभवती उपयोग के लिए सैन्य भंडार में थे, जो जनवरी 2022 की तुलना में 86 अधिक थे। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। GPS निर्देशित बमों में लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक, रूस यूक्रेन में अपने हथियारों में सुधार करता है। एक दुश्मन का सामना कर रही है जिसने गलतियों की और 15 महीने पुराने युद्ध में झटके चिरे हैं, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि मास्को ने भी उन भूलों से सीखा है और अपने हथियार और कौशल में सुधार किया है। रूस ने 1000 किलोमीटर 600 मील फ्रंट लाइन के साथ भारी किलेबंदी का ये युद्धक ड्रोन में यूक्रेन की बढ़त को कम करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक हथियारों को तेज किया है और अपने विशाल शीत युद्धकाल के शस्त्रागार से भारी बमों को सटीक निर्देशित में बदल दिया है। अपने युद्धक विमानों को जोखिम में डाले बिना लक्ष्यों को भेदने में सक्षम ग्लाइडिंग युद्ध सामग्री सैनिकों को बढ़ती संख्या और बेहतर हथियारों के साथ साथ बदलती रूस रणनीति यूक्रेन के लिए किसी भी तरह की त्वरित निर्णय। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। ऐसा लगता है कि यूक्रेन की सेना अपने लंबे समय में प्रत्यक्षिक आक्रमण को गति दे रही है, क्योंकि कभी मास्को को गाड़ों को तोड़ने और अपने क्षेत्र को वापस लाने का प्रयास कर रहा है। कभी अपनी योजनाओं के बारे में अस्पष्ट बना हुआ है और उसने कहा कि कोई औपचारिक घोषणा नहीं होगी, अपने लाभ के लिए युद्ध के कोहरों का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के सोशल मीडिया की जानकारी रखने वाले रक्षा मंत्रालय ने 4 जून को एक वीडियो शेयर किया जिसमें थके हुए सैनिकों को अपने होठों पर उंगलियां उगाते हुए दिखाया गया है। प्लान लव साइलेंस वीडियो ने कहा, व्यापक रूप से जीवन हमले के बारे में जाना जाता है, लेकिन गुरुवार के वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने ट्वीट पर कहा, यूक्रेन जवाब भी हमला शुरू हो गया है। ISW ने कहा, यूक्रेन की शुरुआती जवाबी कार्रवाई सबसे कठिन और धीमी हो सकती है।